जब उनका रियलिटी सामने आएगा कि वो रेंट में कार उठाता है तो उसका ऑडियो audience... लेकिन आपके जो मरता हुआ बिजनेस होने वाला थोड़े दिन में जो खत्म हो जाएगा एआई के कारण फोटो खींचने का बिजनेस तो चला जाएगा उसको कम से कम बचाने के अच्छे तरीके देंगे आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना आपका और आपने लेकर बड़ी बड़ी फोटो डाल दी सोशल मीडिया पर मैं भी गिनी बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ ऐसे बारह हैं हमारे पास में है गैस कैसे हैं आप सब तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं विवेक बिंडा फैस संदीप महेश्वरी के बारे में तो मेरे पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि विवेक बिंडा एक वीडियो बनाने वाले जो संदीप महेश्वरी को फाइनल और बिगेस्ट रिप्लाई देने वाले तो फाइनली विवेक बिंडा ने वो वीडियो बनाया तो संदीप महेश्वरी के पिछले कुछ वीडियो का पॉइंट उठाकर विवेक बिंडा ने उसके ऊपर रिप्लाई दिया है और साथ ही बोला है कि संदीप महेश्वरी का जो फोटोग्राफर का बिजनेस है वो भी खत्म होने वाला है तो विवेक बिंडा का उस वीडियो का कुछ क्लिप हम देखते हैं तो आप लोग का क्या राय है कमेंट करके बताइए उसकी क्लिपिंग सुन लेते हैं कि अगर कोई जेन्युन प्रोडक्ट है तो उसके अगर कोई जेनुअन प्रोडक्ट हो

उसके अगले साल यानी कि जो पीछे गया 2023, वो गया 12 करोड़ चौबीस लाख मिनट तो करोड़ से 7 करोड़ 50 लाख से 9 करोड़ सत्ताईस आप बोलते हो फिर वो स्कैम नहीं है तो ये क्या था क्या था चार बेवकू बनाने का तरीका था क्या चार बेवकू बनाओ चार बेवकू बनाओ चार बेवकू बनाओ बीस बच्चों के साथ बैठ करके आप ऐसा ऐसा करके जोर जोर से हंसने लगे और बना दिया आपने वीडियो आज आपको बहुत दुख लगता होगा आज आपको मुझे पता घुटन हो रही होगी क्योंकि आज आप अपना बोल करके वो बचपन में आइस पाइस डप्पा खेलते थे डप्पा करके भाग गए खो खो खेलते थे आपने सोचा बस खो खो दें ऐसे भाई ये स्कैम नहीं है भाई हमें कंटेंट पे भरोसा है और भरोसा इसलिए क्योंकि 12 विश्व रिकॉर्ड बने हैं ये कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से खरीद कर लेके आए थे हम लोग आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आपका और आपने लेकर के बड़ी बड़ी फोटो डाल दी सोशल मीडिया पर मैं भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ ऐसे बारह हैं हमारे पास में आप इतने सुलझे हुए इतने प्यारे व्यक्ति हैं ऐसे हाँ 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 कुछ करने पे हाँ, 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 हाँ। बच्चे भी खुश हो रहे हैं आप भी खुश हो रहे हो ये तो आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मैंने क्या आप ऐसा करेंगे यार आप, आपका खुद का इमेज आपने खराब कर लिया उचित नहीं लगा मुझे मेरी नजर में आप बहुत सुलझे हुए वे व्यक्ति हैं भैया क्या है लव गुरु बना करके बच्चों को बैठा कर इतना हल्का काम थोड़ी करते हजारों चूल्हे जल रहे थे हमारे साथ में कस्टमर को क्या चाहिए उसके लिए हमने टेक का बहुत भयंकर ऑटोमेटेड प्रोसेस बनाया है ताकि कस्टमर का सीमलेस एक्सपीरियंस हो सके प्रोडक्ट के थ्रू जब कस्टमर लेकिन आपके जो मरता हुआ बिजनेस होने वाला थोड़े दिन में जो खत्म हो जाएगा ए के कारण फोटो खींचने का बिजनेस जो चला जाएगा उसको कम से कम बचाने के अच्छे तरीके देंगे आपको आपको उसके बाद उसमें से कॉन्टेंट लेकर के आप अपनी बिजनेस मास्टर सीरीज में बताना फायदा होगा सबको आप फ्री में बता देना मैं भी आपको फ्री में देता हूँ अब

So, ना आप एक बिजनेस पर टिके ना आप एक बात पर टिके अब हम बात करने वाले एंग्री रतमन के बारे में तो एंग्री एक यूट्यूबर है जिसके जिसके चैनल पर सा लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर थे तो उसकी तरफ से बहुत ही बुरी खबर यह है कि एंग्री रातमन का हुआ चुका है डेथ अब हम बात करने वाले मनोज दे और यूके जीरो सेवन राइडर के बारे में क्या मनोज दे ने यूके जीरो सेवन राइडर को इंडा पोक कर दिया क्योंकि मनोज ने आज एक वीडियो अपलोड किया जहां पर कुछ यूट्यूबर के बारे में बताया जो रैपर कार्ड ला कर शो ऑफ करते हैं तो मनोज दे ने क्या छोटा सा क्लिप देखते हैं और ये वीडियो क्लिप देखे आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए है, जो नए नए सुपर कार करोड़ों में तो लोगों को लगता है कि वो रेगुलर वॉच करता है कि भाई ये तो बहुत अच्छा मतलब बहुत रईस आदमी है बहुत सारे कार्स ले रहा है लेकिन जब उनका रियलिटी सामने आएगा कि वो रेंट में कार उठाता है तो उसका ऑडियंस का ट्रस्ट जो उन्होंने बिल्ड किया था ना वो ट्रस्ट पूरा खत्म हो जाएगा और जिस दिन ट्रस्ट खत्म हो गया उस दिन ऑडियंस आपका वीडियो देखना छोड़ देखाता था मेरे पास आज तक एक ही कार है जो की मैंने लिया है टाटा हैरियर वो उसी चीज को आपको पता होगा कि मेरे पास है तो मैं भी चाहू ना ऐसा दिखा सकता हूँ कि मैं तीन तीन महीने में, में मर्सिडीज ले रहा हूँ कभी ए ले रहा हूँ कभी वो ले रहा हूँ लेकिन नहीं करना है मुझे ऐसा क्योंकि कभी ना कभी सौ दिन का चोर एक दिन पकड़ा जाता है कभी ना कभी आपको पता चल जाएगा मनोज भाई भी ऐसा ही करने लगा रेंट में जाकर भाड़ा में उठा के ले आऊंगा दोस्तों आज के डेट में बता दू यूट्यूब पे ये सब चीज बहुत चल रहा है आपको जो है ना बहुत सारे बड़े बड़े शोरूम है दिल्ली में खास करके जहाँ से आपको कार दे दिया जाता है तीन महीने छह महीने के लिए आपको बोला जाता है कि आप वीडियोस बना हमारे शोरूम का नाम वगैरह लेते रहना और आप इसको छह महीने तक चलाओ और फिर दे देना फिर दूसरा मैं कार भेजवा दूंगा तो इसको बोलते हैं रेंट में कार लेना और आप लोगों को पब्लिक को जो है गुमराह किया जा रहा है कि हाँ भाई क्या कार ले रहा हर महीने कार आ रहा हर दो महीने में कार बदल जा रहा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है